40 से लेके 60% यूजर्स को अभी तक आईफोन iOS 7 में एंड्रॉयड 14 का अपडेट नहीं मिला है चुका है। तो ये क्या हो रहा है? अगर कोई भी अपडेट मिला तो वो सबको सेम मिलना चाहिए ना, 60% को मिल रहा है स्टेबल और 40% को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तो सरासर गलत हुआ ना। तो आईकू वालों प्लीज़ 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 इस बात के ऊपर आप गौर करो, सॉफ्टवेयर अपडेटेशन आप ठीक से दो, 40 से लेके उसके बाद क्या जो परसेंटेज है बैटरी परसेंटेज है उसके बाद अगर आया तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आया 20 से 21% कैसा हो गया। तो गाइस स्वागत है आप सभी को हमारा अपना चैनल द स्टूडियो बाय इंजीनियर्स पे। आज का वीडियो जो है वो पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा एक सब्सक्राइबर भाई ने, तीर्थो भाई ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा था मेल के थ्रू, तो उसके रिगार्डिंग वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है और मेरे फ़ोन में वो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो वीडियो है वो होने वाला है, क्योंकि उसने मुझे एक और वीडियो क्लिप भेजा है मेल के थ्रू। तो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसके फ़ोन में। और उसका जो क्लेम है, उसने क्लेम किया है कि उसके मोबाइल में डेली एप्लीकेशन हो गया या फिर टाइपिंग के टाइम पे फ़ोन हैंग हो जा रहा है, लैग कर रहा है। तो देखेंगे। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है उसके वीडियो में जो उसने एक क्लिप भेजा था उसमें, और वो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो अगर आपके आईफोन iOS 7 में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें मेल के थ्रू भेज सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके आईफोन iOS 7 में। तो चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो ज़रूर से वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि तीर्थो भाई ने मुझे फिर से भेजा है, तो चलिए इस वीडियो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। और तो ये है वो वीडियो, तो चलिए इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं और क्या प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि उस वो बैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्सर जो है वो रुक चुका है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये क्लियरली शो हो रहा है, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20% बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पे एक हॉटस्पॉट के थ्रू डिवाइस भी कनेक्ट है, ये यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे 5G कनेक्ट है, ठीक है, समझ गया। 21% हो गया, अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आया 20 से 21% कैसा हो गया। और यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, समझ गया। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा कि उसका जो मोबाइल पे बैटरी परसेंटेज था वो 20 से लेके 21% का था। और मैं पहले ही एक बात बता दूं कि अगर जब भी आपका फ़ोन का बैटरी परसेंटेज गिर जाए, मतलब रेड में आ जाए, बैटरी का जो परसेंटेज है वो रेड में आ जाए, उसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन जो है वो फुल पोटेंशियल पे नहीं है बैटरी का परसेंटेज, बैटरी का लाइफ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 20 से लेके 21% का जो है वो बैटरी परसेंटेज है, एंड फ़ोन हॉटस्पॉट के थ्रू एक डिवाइस से कनेक्टेड है और 5G भी रन है। तो ये तीनों कंडीशन मिलके इसका जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो डाउन किया है। तीर्थो भाई, अगर आप समझ सकते हो तो समझ चुके होंगे कि आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आया 40 से लेके उसके बाद क्या जो परसेंटेज है बैटरी परसेंटेज है उसके बाद अगर आया तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मान के चलो कि आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली, हो सकता है कि बैटरी सेविंग मोड में आ चुका होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यही है, आई होप आप समझ चुके होंगे। और कुछ बातें कर लेते हैं आईफोन iOS 7 के रिगार्डिंग। भाई 40 से लेके 60% यूज़र्स को अभी तक आईफोन iOS 7 में एंड्रॉयड 14 का अपडेट नहीं मिला है। तो मैंने भी आईफोन iOS 7 में एंड्रॉयड 14 का अपडेट जो किया था वो ट्रायल वर्जन से किया था, ठीक है। तो अभी वो हो सकता है कि स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी तक बहुत सारे यूज़र्स को ट्रायल में भी नहीं मिला है और स्टेबल पे भी नहीं मिला है। और बहुत सारे यूज़र्स क्लेम कर रहे हैं कि उसको स्टेबल अपडेट मिल चुका है। तो ये क्या हो रहा है? अगर कोई भी अपडेट मिला तो वो सबको सेम मिलना चाहिए ना। अगर 100 में से 60% को मिल रहा है स्टेबल और 40% को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तो सरासर गलत हुआ ना। तो आईकू वालों प्लीज़ 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 इस बात के ऊपर आप गौर करो, सॉफ्टवेयर अपडेटेशन आप ठीक से दो। और आईकू ने क्लेम किया है कि इस महीने के अंदर, मतलब फरवरी के अंदर, आईकू iOS 7 में एंड्रॉयड 14 का स्टेबल अपडेट कर देगा। और उसने ये भी क्लेम किया था कि एंड्रॉयड 14 का अपडेट कर देगा 2023 के दिसंबर के मिड तक, जो कि आईकू ने अभी तक नहीं किया है।
इस महीने एंड्रॉइड 14 का अपडेट दे दे। अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपके फोन में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें मेल के थ्रू उस वीडियो क्लिप को भेज सकते हो और हम उस वीडियो को सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। और बस यही इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।